जी अब हम स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। अपना जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक था स्टॉप वॉच का। तो हमारे पास स्टॉप वॉच का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आपके मोबाइल में भी ये स्टॉप वॉचेस होती हैं। तो स्टॉप वॉच का अब इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि टू मेजर द शॉर्ट इंटरवल, बहुत छोटे इंटरवल को, जैसे कि किसी ने छत से छलांग लगाई, आंखों का झपकना, या फिर आपने कोई भी गोल किया, कितने टाइम में किया, तो बहुत छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स को मेजर करने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं उसको स्टॉपवॉच कहते हैं। आपकी बुक पे सबसे पहली जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो स्टॉपवॉच की लिखी हुई है। स्टॉपवॉच इज यूज्ड टू मेजर द शॉर्ट इंटरवल ऑफ एन इवेंट। स्टॉपवॉच इज यूज्ड टू मेजर द शॉर्ट इंटरवल ऑफ एन इवेंट। ये आयशा कह रही है अगेन स्टक हो रही है तो मुझे बता दे। नहीं यार अब तो स्टक बिल्कुल भी नहीं हो रही, मेरे सामने बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज। तो छोटे छोटे इंटरवल्स को मेजर करने के लिए, टाइम को मेजर करने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं उसको स्टॉप वॉच का नाम दिया जाता है। आपके सामने स्क्रीन में मैंने लिखा हुआ है चैप्टर नंबर वन स्टॉप वॉच, एंड देयर टू टाइप्स ऑफ द स्टॉप वॉचेस। दो तरह की स्टॉप वॉचेस होती हैं, एक को हम नाम देते हैं। जी मेरा बेटा मैंने अपने घर का ड्राइंग रूम का दरवाजा भी खोल दिया है ताकि सिग्नल का किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। हम बाहर से अगर आपको किसी किस्म की कोई आवाज आती है तो उसको आपने एडजस्ट कर लेना। जी मेरा बेटा आप लोग क्वेश्चन क्या जितनी मर्जी क्वेश्चन करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। जी आप क्लियर है? तो हमारे पास दो तरह की स्टॉप वॉचेस थी, एक को हम नाम देते हैं मैकेनिकल स्टॉप वॉच का और एक को हम नाम देते हैं डिजिटल स्टॉप वॉच का। ये जिसमें एक नोब बनी हुई है आपके सामने, नोब का मतलब जिस तरह आपके पास दो तरह की घड़ियां होती है, एक में डिजिट्स आ रहे होते हैं और एक में निडल्स मूव कर रही होती है, तो निडल वाली घड़ी को नाम दिया जाता है मैकेनिकल का। और जहां पे डिजिट्स की फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स की फॉर्म में नंबर शो हो रहे हो उसको हम डिजिटल स्टॉप वॉच कहते हैं। तो हमारे पास दो तरह की स्टॉप वॉचेस हैं, मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। अब इनके बात करते हैं कि इनकी लीस्ट काउंट क्या है। सो अगर बात की जाए लीस्ट काउंट की, तो हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच के जो लीस्ट काउंट है, जो सबसे कम वैल्यू मेजर की जा सकती है, जो लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच हमारे पास आ रहा है, ये मोहम्मद को मेरा बेटा जो क्वेश्चन करना हो तो बेटा किया करो, ये एक्सक्यूज मी सर करके आप एक मैसेज करते हैं और उसके बाद अपनी अटेंशन ले लेते हैं और उसके बाद कोई क्वेश्चन भी आपका नहीं आता। मेरा बेटा अब थिंक डोंट थिंक शो के जो पहले का वॉल्यूम था वही नॉर्मल वॉल्यूम रख दिए, तो अब ये लाउड बिल्कुल भी नहीं है 100। जी मेरा बेटा अब आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो ध्यान करना है वो ये ध्यान करना है कि मैं आपको इस चीज के बारे में बताता हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। फिलहाल मैं आपकी अब चैट भी फिलहाल नहीं पढ़ रहा। तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच के लीस्ट काउंट की बात करते हैं, तो हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेकंड है और डिजिटल स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेकंड है। इट मींस कि यहां पे इनके लीस्ट काउंट के डिफरेंस की वजह से ही हम ये चीज बड़े अच्छे से डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमारे पास विच वन इज द मोस्ट एक्यूरेट। तो मैंने अगेन वही लाइन लिख दी है, द इंस्ट्रूमेंट दैट हैव लेस लीस्ट काउंट इज मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। तो हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट कम से कम होता है वो ज्यादा एक्यूरेट भी होता है और प्रिसाइज भी होता है। तो इन दोनों में जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम है वो हमारे पास जी पेज नंबर 18 पे कल हम लोगों ने लर्न किया था, 19 पे स्टॉपवॉच का टॉपिक लिखा हुआ है। सबसे पहले उसकी लाइनों में डेफिनेशन लिखी हुई है, स्टॉपवॉच इज यूज्ड टू मेजर द शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ एन इवेंट। नो हम बात ये कर रहे हैं कि हमारे पास There are two types of the stopwatches, mechanical stopwatch and digital stopwatch. उन दोनों की जो तस्वीरें थी मैं आपको दिखा दूं कि ये आपके पास डिजिटल स्टॉपवॉच है, ब्लैक कलर में जो नजर आ रही है डिजिट्स नजर आ रहे हैं, और ये वाली आपके पास मैकेनिकल स्टॉपवॉच है। ये वाली मैकेनिकल स्टॉपवॉच है और इसको हम डिजिटल स्टॉपवॉच का नाम देते हैं। तो अब हम ये बात कर रहे थे इनके लीस्ट काउंट क्या है, तो हमारे पास दोनों के लीस्ट काउंट की बात करें इसी फर्स्ट पैराग्राफ में इनके लीस्ट काउंट के बारे में भी लिखा हुआ है। तो हमारे पास मैकेनिकल स्टॉपवॉच का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेकंड है, जबकि डिजिटल स्टॉपवॉच का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेकंड है। एंड द इंस्ट्रूमेंट दैट हैव द लेस लीस्ट काउंट इज मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट कम से कम होता है वो ज्यादा एक्यूरेट भी होता है और प्रिसाइज भी होता है। तो मेरा बेटा इसके बाद हम बात करते हैं
कि विच वन इज द मोस्ट एक्यूरेट इन दोनों के बिहाफ पे, लीज काउंट के बिहाफ पे आप बड़े अच्छे से इस चीज के बारे में डिक्लेयर कर सकते हैं, द डिजिटल स्टोवॉच इज मोर एक्यूरेट देन मैकेनिकल स्टोवॉच. डिजिटल स्टोवॉच इज मोर एक्यूरेट देन मैकेनिकल स्टोवॉच. डिजिटल स्टोवॉच इज मोर एक्यूरेट देन मैकेनिकल स्टोवॉच. तो अब आ जाते हैं मेरा बेटा इनके यूज पे. यूजेस ऑफ स्टोवॉच, दोनों का जो डिफरेंस है इन दोनों के यूज में भी, इस्तेमाल में भी डिफरेंस है कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है. ये मेरा बेटा आयशा की आवाज क्लियर नहीं है, तो इनकी आवाज कैसे क्लियर की जा सकती है जब सबकी आवाज क्लियर है. जी माशाल्लाह 100 हो गए हमारे पास. पता नहीं चल रहा, किस चीज का पता नहीं चल रहा भाई ईशा जी. पेज नंबर 18 है और उसके फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ा रहा हूं. वन जीरो टू, माशाल्लाह 100 अबव हो गए भाई. जी मेरा बेटा, तो हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल स्टॉपवॉच की, कि मैकेनिकल स्टॉपवॉच को कैसे इस्तेमाल किया जाता है. अब हमारे पास मैकेनिकल स्टॉपवॉच, जिस तरह नीडल्स बनी होती है, सुइयां बनी होती हैं, उसकी बात करने लगे हैं. तो मैकेनिकल स्टॉपवॉच के अंदर एक नोब बनी होती है. अब नोब आपको दिखा देता हूं. इस चीज को नोब का नाम दिया जाता है, जिसे हम कुछ लोग अपनी घड़ी की चाबी भी कहते हैं, इसको नोब का नाम दिया जाता है. अगेन स्टक हो रही है, ठीक भी होगी होगी अब. तो मेरा बेटा हमारे पास इसको नोब का नाम दिया जाता है. जी मेरा बेटा क्लियर है. कुछ लोगों का वैसे ही आई डोंट थिंक सो इश्यू है. तो मेरा बेटा आप अपनी क्वालिटी वगैरह चेंज करके देखें और कोशिश किया करें कि ये भी आपका क्लासरूम है, तो इसमें भी इंसानों की तरह बिहेव करना हम सबका फर्ज बनता है, जो कि हम नहीं करते. अजान बेटा स्टॉपवॉच किसने इन्वेंट की? स्टॉपवॉच देखो, घड़ी के बारे में अगर बात करो तो इसमें मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने ये काम किया हुआ है, तो किसी एक बंदे को आप ये जो है सेहरा नहीं दे सकते. खैर फिलहाल इसमें आ जाए. मैकेनिकल स्टॉपवॉच में ये जो नोब है, ये जो होता है, देयर इज नोब टू स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट द बटन. इसी एक बटन की से आप मैकेनिकल स्टॉपवॉच को स्टार्ट भी करोगे, मैकेनिकल स्टॉपवॉच को स्टॉप भी करोगे, और इसी बटन से इसकी वैल्यू को रीसेट किया जाता है. और रीसेट करने का मतलब बड़े अच्छे से आपको पता है कि इसको दोबारा फिर 00 की पोजीशन में लेके आना. मैंने यहां पे लिखा हुआ है व्हेन द नोब इज प्रेस्ड वंस, जब एक दफा नोब को प्रेस किया जाता है, इट स्टार्ट्स द स्टॉपवॉच, ये स्टॉपवॉच को स्टार्ट कर देती है. व्हेन द नोब इज प्रेस्ड सेकंड टाइम, जब इसी नोब को दूसरी दफा प्रेस करेंगे, इट स्टॉप्स द स्टॉपवॉच, ये स्टॉपवॉच को स्टॉप कर देगी. एंड वेल थर्ड टाइम प्रेस, इट बिगिंस द, या इट ब्रिंग्स द नीडल बैक टू जीरो पोजीशन. ये आपकी बुक से ये वर्डिंग ली गई है, जैसे कि आपकी बुक में नेक्स्ट पेज पे जाओगे लिखा होगा हाउ टू यूज अ स्टॉपवॉच, तो उसके फर्स्ट पैराग्राफ में यूज ऑफ मैकेनिकल स्टॉपवॉच लिखा होगा. जी मैकेनिकल स्टॉपवॉच के अंदर हमारे पास एक ही नोब है, एक ही बटन है, जिसे हमने स्टार्ट भी करना है, स्टॉप भी करना है और रीसेट भी करना है. जब नोब को फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे ये स्टार्ट हो जाएगी, जब नोब को सेकंड टाइम प्रेस करेंगे ये रुक जाएगी, और जब थर्ड टाइम प्रेस करेंगे ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगी. अब डिजिटल स्टॉपवॉच की बात करें तो डिजिटल स्टॉपवॉच में स्टार्ट और स्टॉप का अलग से बटन है और रीसेट का अलग बटन बना हुआ है. इट हैज स्टार्ट एंड स्टॉप बटन एंड रीसेट बटन. उसके बाद ये हमारे पास जो वैल्यूज देता है वो डिजिट्स की फॉर्म में देता है. और when start and stop button is pressed, it starts the major events and stop when again pressed. जब एक दफा इस बटन को प्रेस करोगे ये स्टार्ट कर देगा और दूसरी दफा प्रेस करने से ये स्टॉप हो जाएगा. तो ये हमारे पास जो इसका डिफरेंस है यूज में, फर्स्ट पैराग्राफ में आपने स्टॉपवॉच की डेफिनेशन देखनी है, उसकी दो टाइप्स हैं. ठीक है मेरा बेटा, अब हमारी जो क्लास है वो बिल्कुल एंड होती है. यही आप लोगों ने याद करना होगा, स्टार्ट स्टॉपवॉच मैकेनिकल और डिजिटल और उसका यूज. चले मेरा बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आज की क्लास यहीं पे एंड होती है. अल्लाह हाफिज़.